हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ जुरुस्पूडेंस वी आर डिस्कसिंग स्कूल ऑफ लॉ हमने ऑलरेडी जो है ऑस्टिन की लॉ थ्योरी पढ़ ली है जिसको हम पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते जूर स्पूडेंस भी बोलते हैं एंड एनालिटिक स्कूल ऑफ लॉ उसके बाद हमने जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पढ़ा जिसमें हमने देखा कि सेविंग ने कैसे डिफाइन किया कि लॉ का जो है सीधा कनेक्शन होता है हिस्ट्री के साथ ट्रेडिशन का कस्टम के साथ तो ऑस्ट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ का सीधा कनेक्शन होता है स्टेट के साथ स्टेट जो भी करेगी जो बनाएगी किसी स्टेट के अंदर जो सावरन है जो भी बनाएगा वो लॉ है मेरिट डिमेरिट नहीं देखे जाते कि उसका किसी लॉ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा लॉ का आपने हिस्ट्री के साथ कनेक्शन देखा सेवन ने, ने बताया हमें उसने बोला कि लॉ का जो सीधा कनेक्शन होता है वो हिस्ट्री के साथ होता है कोई भी लॉ डिवेल्प होता है तो वो हिस्ट्री के थ्रू कस्टम के थ्रू ट्रेडिशंस के थ्रू यूसेज जो हमारे परंपराएं होती हैं हमारे जो प्रथाएं होती हैं उनके थ्रू हमारा लॉ डिवल्प होता है ना कि किसी सॉबरन uh, का कोई ऑर्डर होता है अब रूसो पाउंड आते हैं रॉस्को पाउंड है, है जिन्होंने सोशल सोशोलॉजी स्कूल ऑफ लॉ बनाया है जिसको हम जो है सोशल इंजीनियरिंग स्कूल भी बोलते हैं उनकी थिंकिंग है स्टेट का सीधा कनेक्शन होता है सोसाइटी के साथ वो रिजेक्ट करते हैं थ्यूरी ऑस्टन की कहते हैं कि स्टेट का लॉ का स्टेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है वो रिजेक्ट करते हैं सेविंगने की थ्यूरी की स्टेट का हिस्ट्री के साथ कनेक्शन नहीं है ही थॉट द लॉ हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द सोसाइटी सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसे है वो ये बोलता है कि सोसाइटी के जो इंटरेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे लॉ बनते हैं ना कि कस्टम के बेसिस पे और ना स्टेट का कोई ऑर्डर होता है सोसाइटी के जो कस्टम होते हैं उन्हीं कस्टम के अकॉर्डिंग लॉ बनता सॉरी सोसाइटी का जो आ, सोच है जो उनका इंटरेस्ट है जिसके सोसाइटी के हित हैं सोसाइटी जो चाहती है वो हमारे लिए बने वो लॉ बनते हैं सोसाइटी का इंटरेस्ट मेन देखा जाता है हिस्ट्री को नहीं देखा जाता स्टेट को नहीं देखा जाता या किसी सॉवरन के ऑर्डर को नहीं देखा जाता तो यहां पे रॉस्को पॉल ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है और उसने यहां पे इसको डिफाइन भी किया है विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग एंड उसने फाइव पॉस्टूल भी वहां पे दिए हैं हम इन्हीं को इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे आफ्टर दैट आपके स्कूल जो है यहाँ पे खत्म हो जाएंगे तीन स्कूल आपने पढ़ने हैं पूरी उम्मीद है कि आपको इन तीन स्कूल में एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऑस्टिन पॉजिटिव स्कूल भी है एनालिटिकल स्कूल भी है एज वेल एज वो जो है सॉरी एनालिटिकल स्कूल भी है इसके अलावा आपके पास हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ़ लॉ है जो कि सेवन ने, ने दिए हैं, और साथ में आपके पास फिर ये तीसरा स्कूल है सोशल इंजीनियरिंग का जो कि रॉस्को पौड़ ने दिए हैं देखिए यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करते हैं द ऑरिजिन ऑफ द सोशियोलॉजिकल थाट हैज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जूरिस बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस स्कूल का अंडर द स्कूल स्पेशल इंपॉर्टेंस हैज़ बिन गिवन टू सोशल सेक्टर इंपॉर्टेंस दी गई है सोसाइटी को ना कि स्टेट को ना हिस्ट्री को ना ट्रेडिशन को निगलेक्टिंग द इंटेंजिबल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो कि ऑस्टिन और सेमिंग ने बोलते हैं या अदर जूरिस्ट बोलते हैं मेनली द कन्विक्शन इज बेस्ड अबॉन द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स तो जो लॉ बनता है उसकी जो थ्री बेस्ड एलि एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं लॉ इज़ अ सोशल परस्पेक्टिव लॉ हमेशा सोशल परस्पेक्टिव होता है सोशल दृष्टिकोण जो सामाजिक दृष्टिकोण होता है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ एजेल अंडर इट और उस लॉ का क्या प्रयोग होगा क्या वो सोसाइटी के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ये ऐसे लॉ जो है इवॉल्व होता है उसका मूल्यांकन होता है लॉ इज़ अ वन ऑफ द वेरियस डिवाइसिस ऑफ सोशल कंट्रोल और लॉ जो है एक टूल है एक डिवाइस है जिससे हम सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं ऑबियस सी बात है अगर हम सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लॉ को एज अ टूल यूज़ करेंगे लॉ बना देंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कौन उस एक्ट को कर रहा है नहीं, जो नहीं करेगा उसको सजा होगी इट इज बेस्ड बाई दर जॉन सालमेंट सोसाइटी बट हालांकि दोनों अलग चीजें हैं लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों है सिमिलैरिटीज एंड हार्मोनीज कैसे सालमन क्या बोलता है सोसाइटी लॉ well, का सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होगा अप टू विच लिमिट अ लॉ इज एक्सेप्ट उस लॉ को सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करती है अप टू वट एक्सटेंट इन अचीविंग इट्स क्या जिस पर्पस के लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए लॉ बनाया गया था क्या उस ऑब्जेक्ट को पूरा कर पाए हम लॉ शुड बी ऑफ वट काइंड लॉ कैसा होना चाहिए ये हमारा क्वेश्चन है विच लॉ में बी यूजफुल फॉर इंफॉर्मस और कौन सा लॉ जो है सोसाइटी को जो में सुधार करेगा तो यहां पे आपने देखा कि लॉ जो है वो सोसाइटी को ध्यान में रखता है ध्यान में रख के बनाया जाता है किसी कस्टम किसी यूसेज या किसी ट्रेडिशन रिवाज जो हमारे होते हैं जो हमारी प्रथाएं होती हैं जो हमारी परंपराएं होती हैं या फिर किसी राजा का कोई आदेश नहीं है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक अब यहाँ पे आते हैं रॉस्को पाउंड के और भी हैं जो सोशोलॉजिकल थ्यूर को फॉलो करते हैं बैंथम है कॉम्टे है इन है डेगिट है इसके अलावा रॉस्को पाउंड है जो सबसे बड़े रॉस्को पाउंड कौन थे थोड़ा सा ये जान लेते हैं डीन जो रॉस्को पाउंड कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ द सोशलोलॉजिकल कन्विक्शन लीडर है ये सोशोलॉजिकल स्कूल का अमेरिकन लॉयर रोस्को पाउंड ऑन अ फेमस इमेज एज एक्सिलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये अमेरिका में आ, जो है बहुत फेमस जज रहे हैं लॉयर थे वो वहाँ पे जज भी रहे वो प्रोफेसर भी थे ही है डीप स्टडी ऑन सोशोलॉजिकल जो उन्होंने बहुत डीप स्टडी की है इस सामाजिक विधि पे सो मैनी आर्टिकल आर रिसर्च पेपर ऑफ रॉस्को पाउंड ऑन दिस सब्जेक्ट वर पब्लिश इन द हार्वर्ड लॉ रिव्यू हार्वर्ड लॉ रिव्यू में इनके बड़े सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं इस सामाजिक थ्योरी से रिलेटेड रॉस्को पाउंड गिवन द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशोलॉजिकल ज्यूसपर्ट उन्होंने एक फंक्शनल डेफिनेशन दी है कि लॉ में आपको सुधार लाने के लिए काम करना पड़ता है डेफिनेशन देने से कुछ नहीं होता आप भी बोल देंगे ये कस्टमर के थ्रू आता है लेकिन आपको लॉ बनाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है आपको सोसाइटी को जो है वो इवेल्युएट करना पड़ता है उसका मूल्यांकन करना पड़ता है आपको समाज के बीच में जाके समाज को जो है का अध्ययन करना पड़ता है आपको स्टडी करनी पड़ती है उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन सा लॉ जो है सोसाइटी के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा इसीलिए उसने इस काम को क्या बोला है सोशल इंजीनियरिंग बोला है अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है थ्यूरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग इज द सेंट्र पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ रूस्को पाउंड मीज सोशल इंजीनियरिंग ऑफ पाउंड इज द सेम एज टू दैट द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे कोई एक इंजीनियर होता है वो अपने टूल्स की हेल्प से जो है वो का जो है किसी किसी भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को किसी कार को या किसी चीज़ को ठीक करता है वैसे ही लॉयर का यहाँ पे इंजीनियर जो है वो लॉर लॉयर को बोला बगे लॉयर का, का काम क्या होता है कि वो एक डीप स्टडी करके लॉयर की जो टूल्स हैं वो क्या है उसका अध्ययन उसकी डीप स्टडी करके वो समाज में जो मिस्टेक जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करता है उस तरीके से लॉ बनाने की कोशिश करता है मान लीजिए गाड़ी ख़राब है तो मैकेनिक के पास जाएंगे मैकेनिक क्या करेगा उस गाड़ी को खोल के अपने टूल के साथ उसको रिपेयर करेगा एडवोकेट लॉयर का, का काम भी यही है कि वो डीप स्टडी करेगा सोसाइटी में उसको पता चलेगा कि कौन सा लॉ बनाना है उसके बाद वो लॉ बनाएगा इसलिए जो है रॉस्को पाउंड ने जो लॉ की जो स्टडी है उसको क्या सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया है इसलिए उसने बोला है सेम एज टू द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इन व्यू ऑफ द रॉस्कोपाउंड इंजीनियर इज अ प्रोसेस इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस एन एक्टिविटी इट इज कंटेन इन प्रोसेसिंग द वर्क यहाँ पे वर्क को प्रोसेस किया जाता Definition है डेफिनेशन ही नहीं दी जाती सिर्फ बोला ही नहीं जाता यहाँ पे काम भी किया जाता है इट इज़ नॉट ओनली मेयरली आर डिटर्मिंड लॉ ऑफ ग्रुप ऑफ नॉलेज और इंटरप्रिटेशन सिर्फ कानून की व्याख्या कर देना या लॉ को इस तरीके से मान लेना ठीक नहीं है जैसे कि ऑस्टन ने किया है और सैमिंग ने किया है हिस्टोरिकल थ्योरी में इट इज बींग सेट बाय द रॉस्को पाउंडियर डैट इज इवेल्यूएशन जो भी इंजीनियर करता है वो उसको इवेल्यूएट करता है उसको मूल्यांकन करता है इवेल्यूएशन ऑफ इज वर्क डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट ऑफ एम्स डन और उसके बाद जो है वो अपने उस वर्क की जो है इवेल्यूएशन करता है जो उसने काम किया है पाउंड मेनली एक्टेड फॉर दैल्यूशन वे सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे उसने बताया देखिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओवर म्यूचुअली ऑल सभी को एक जैसा मान लेने के बजाय लॉयर जज लॉयर मेकर ये सारे क्या करते हैं लॉ को बनाते हैं ये लॉ की स्टडी करते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं वो लॉ की व्याख्या करते हैं सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं लॉ को बनाने में योगदान देते हैं इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग अप फॉर्म ऑफ लॉ कि लॉ कैसा होगा इस पर कमेंट करने के बजाय कमेंटरी लॉ मेजमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ लॉ लॉ होना कैसा चाहिए लॉ बनाने के लिए जो अरेंजमेंट कर सकते हैं वो की जानी चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग फोर्स ऑन राइट स्टडीज व मेड ऑफ इंटरेस्ट राइट को फोर्स करने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि इसका हित क्या है उसकी जो क्लेम क्या है उनकी डिमांड क्या है ऐसे ही नहीं किसी को राइट right दे दें इट वॉज स्टडी दैट विच इज रिक्वायर टू बी डन वट इज बींग डन अप टू वट एक्सटेंड नाट लाइक दिस नाउ हाउ टू बी डन कितना करना है और कितना हो चुका है वट इज़ बींग डन अप टू वट एक्सटेंड कितना किया गया है और कितनी लिमिट तक किया गया है ये करना चाहिए मीन्स सिंपल भाषा में बताओ तो रोस्को पाउंड यही बोलता है कि लॉ बनाने के लिए आपको सोसाइटी की डीप स्टडी करनी होगी तभी आप जो है एक अच्छा लॉ बना पाएंगे सोसाइटी के इंटरेस्ट में बनाएंगे लॉ बनता है सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए समाज के हित के लिए Osionfish. तो आपको समाज के हित के लिए अगर कानून बनाना है तो आपको पहले समाज को स्टडी करना उसका अध्ययन करना भी जरूरी है जैसे एक इंजीनियर अपने टूल से पहले किसी समस्या को देखता है उसको ढूंढता है उसके बाद फिर उसका जो है उपचार करता है वैसे ही लॉयर का काम क्या है कि वो लॉ को सोसाइटी को देखे उसको परखे उसको अच्छे से समझे और उस पर एक्ट करे यहां पे फिर से सोशल इंजीनियरिंग मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द स्टडी विच पॉलिटिकली एफर्ट सिस्टमाइज रिलेशन बाय वे ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी काम करना है काम करके आप अच्छा लॉ बना सकते हैं सिर्फ उस पर कमेंट्री देने से कुछ नहीं होगा करेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर हम रॉस्को पाउंड की डेफिनेशन सोशल इंजीनियरिंग के देखें दिस इम्पेसिस अपॉन द एक्चुअल वर्क और रूल ये एक्चुअल काम को काम करना वास्तविक काम पे वर्क जो इम्फेस जोर देता है पास डिसीजन ऑफ जजेस कंटेन जो जज के पुराने डिसीजन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें जो है लॉ के डेवलपमेंट कर रहे होते हैं वो भी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग ही होते हैं दिस स्पेशली के एज द फुलफिलिंग द सोशल एम और लॉ का जो मेन पर्पस होता है वो सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को पूरा करना होता है इंस्टेंट ऑफ सेंक्शन की उस पर सेंक्शन लगा दिए इट हैज एन एक्टिव व्यू ऑफ लॉ ये एक्चुअल में लॉ का एक्टिव व्यू है देखिए अब उसके बाद क्लासीफिकेशन ह्यूमन इंटरेस्ट यहाँ पे रॉस्को पाउंड ने जो है ह्यूमन इंटरेस्ट क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कानून जो बनता है वो बनता है सोसाइटी के इंटरेस्ट में समाज के हित में तो यहाँ पे जो लोगों के हित होते क्या हैं एक आदमी के हित होते क्या हैं इंटरेस्ट होते क्या हैं ये रॉस्को पाउंड ने क्लियर कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट तीन तरीके के होते हैं हित तीन तरीके के होते हैं जिसके बेसिस पे लॉ बनाए जाने चाहिए प्राइवेट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट जहाँ पे एक इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट होता है उसकी फैमिली उसके बच्चे उसकी फादर उसके मदर उसके मैरिजेस मैटर उसके डाइवोर्स मैटर ये उसके प्राइवेट मैटर्स हैं इस हिसाब से लॉ बनने चाहिए इंडिया में है ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में हमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट को सेव करना है हमें पुलिस चाहिए हमें जज चाहिए जो लॉ को प्रिजर्व करते हैं जो लॉ को जो है एक्ट में इंप्लीमेंट करवाते हैं तो जब तक पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होगा प्राइवेट इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट तो हो ही नहीं सकता सोशल इंटरेस्ट जहाँ पे सभी लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का मैटर उसकी पीस का मैटर उसके जो है उस पर किसी चीज़ का कोई ख़तरा ना आ पाए जिससे ह्यूमन पर्सनैलिटी डिवेलप हो सके उसकी प्रमोशन ये सारी चीज़ें इसके बेसिस पे लॉ बनने चाहिए बड़ा अच्छा है इंडिया में देखेंगे तो अल्लाह आपको ऐसी तरीके से मिलेंगे तो उसने जो है ह्यूमन इंटरेस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया अब उसने दिए हैं ज्यूरल पोस्टुलेट्स तो अगर आप डीप स्टडी करें रॉस्को पाउंड की थ्योरी के तो उसने तीन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसको आपको स्टडी करना आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा एक तो उसने यहाँ पे बात की है पहली बात उसने जो की है सोशल इंजीनियरिंग की दूसरी बात जो उसने यहाँ पे की है ह्यूमन इंटरेस्ट की और तीसरी बात जो उसने यहाँ पे की है ज्यूरल पोस्टुलेट्स की यहाँ पे उसने ये बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन क्या होती है उसकी डिमांड क्या होती है उस क्योंकि एक आदमी से ही सोसाइटी बनती है तो एक आदमी की क्या क्या डिमांड्स होती हैं क्या सोसाइटी होती है उसके बेसिस पे लॉ बनने चाहिए और इसी को उसने क्या है? बोला है ज्यूरल पॉस्टुलेट्स बोला है क्या चाहता है वो लॉ किस तरीके के होने चाहिए सोसाइटी किस तरीके की लॉ चाहती है फर्स्ट ये थोड़े से डिफिकल्ट करके लिखे हुए हैं मैं आपको इनको बिल्कुल सिंपल कर दूंगा फर्स्ट इन अ सिविलाइज सोसाइटी नॉर्मली अ मैन अज्यूम्स दैट द अदर विल कमिट नो इंटेंशनल एग्रेशन ऑफ हिम लॉ ऑफ क्राइम उसके अनुसार सोसाइटी को चाहिए लॉ ऑफ क्राइम ताकि अगर एक पर्सन इंटेंशनली दूसरे पर्सन को हर्ट करता है कोई बॉडली इंजरी देता है उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा लॉ होना चाहिए जो उसको पनिश कर सके तो लॉ ऑफ क्राइम तो फर्स्ट को आप सिर्फ लॉ ऑफ क्राइम लिख सकते हैं ऐसा लॉ चाहता सोसाइटी ऐसा लॉ चाहती है एवरी मैन अज्यूम दैट ही हैज़ अ राइट टू कंट्रोल फॉर द बेनिफिशियल पर्पज वट ही हैज़ क्रिएटेड बाई हिज ऑन लेबर हर इंसान को ये राइट right है कि जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है वो उसके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लॉ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में अगर आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में प्रॉपर्टी कर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो नो बडी कैन एंटर इन दिस कोई भी आपकी परमिशन के बिना वहाँ पे नहीं जा सकता तो उसको अपनी प्रॉपर्टी पे सारे बेनिफिशियल राइट right, सारे फायदे लेने का अधिकार होना चाहिए जो उसने अपनी मेहनत से कमाई है कोई एक्सटर्नल एग्रेशन उस पर नहीं हो सकता है इसमें पेटेंट लॉ भी आ जाते हैं सारे क्योंकि पेटेंट भी उसने अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड से कुछ क्रिएट किया है तो वो भी प्रॉपर्टी ही मानी जाती है थर्ड एवरी मैन एज्यूम दैट दो विद होम ही डील्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टी विल एक्ट इन गुड फेद ये आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ें और गुड फेद में उसको निभाएं आपने देखा आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीद लेते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है कंसेटेशन होता है लेकिन वो चीज अप टू मार्क नहीं लिख मिलती है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश की गई ऐसे लॉ होने चाहिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में भी है सभी हैं एवरी मैन हु इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट विद विद एक्ट ड्यू केयर नॉट टू असिस्ट रिस्क ऑफ इंजरी अपॉन अदर्स तो यहां पे आ जाता है कि किसी तरीके की इंजरी जो है सेकेंड पर्सन को आप नहीं दे सकते अपने किसी एक्ट के साथ लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ टॉट नेग्लिजेंस नहीं करनी है ऐसा कोई भी वर्क आप नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान हो अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए ऐसे लॉ होने चाहिए ये लॉ भी, भी इंडिया में है लॉ ऑफ टॉट नेक्स्ट है सम थिंग्स सम थिंग्स आर सॉरी 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 सम थिंग्स आर ऑफ अ नेचर विच मे कॉज इंजरी टू अदर पर्सन ऑन देयर डिस्पोजल ऑफ ट्रांसमिशन सो दैट सो दीज थिंग्स इन केप्ट एन माइंड कई बार आप अपने एरिया में रह के कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे बाहर वाले लोगों को नुकसान हो जाता है जैसे आपने घर पे कुत्ता बांध रखा है बहुत डेंजरस है वो आपकी जिम्मेवारी है वो डेंजरस आइटम है एक दिन वो गेट खुला था बाहर निकल गया किसी को काट दिया तो किसकी जिम्मेवारी है आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो जिम्मेवारी किसकी है आपकी है अगर आप एक इंडस्ट्रियल हैं आपने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है वहाँ पे कोई फर्टिलाइज तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं वहाँ का एरिया का रहना बहुत मुश्किल हो गया है एक बार सडनली कोई कोई जो केमिकल था उसका रिलीज़ हो गया बड़े सारे लोग मर गए तो लाइबिलिटी किसकी की है हालाँकि इंटेंशन आप नहीं की है लेकिन लाइबिलिटी आपकी है तो लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो इस तरीके के लॉ होने चाहिए सोसाइटी चाहती है इस तरीके के लॉ इसी को जो है रूसो ने जूरल पोस्टुलेट का नाम दिया है तो लॉ ऑफ क्राइम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये फाइव पोस्टुलेट जो है यहां पे रॉस्को ने दिए हैं अब है क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली बात है बाकी जितने भी राइटर्स होंगे ज्यूरिस्ट होंगे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है इन दिस थ्योरी रॉस्को पाउंड रॉस्को पाउंड यूज़ द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग वर्ड जो उसने यूज़ किया है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है उसने सोसाइटी को एक जो है इंडस्ट्री का नाम दे दिया जो कहीं पे भी ठीक नहीं है थ्यूरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज होली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ये बाकी राइटर्स के कौन ये एक इमेजिनेशन है कल्पना है और कुछ नहीं है ये एक्चुअल सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं है द लॉ इन इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एक्सपेरिमेंटल विच रिफ्लेक्ट द सोसाइटीज़ लाइक ए स्मॉल इक्विपमेंट्स और टू जब आप किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप फिर उसमें नफ़ा नुकसान हो सकता है कई बार एक्सपेरिमेंट ठीक रहेगा कई बार एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा तो लॉ जो है इसके बेसिस पे नहीं हो सकते द थ्यूरी ऑफ इंटरेस्ट और रोस्कोपाउंट हैज़ नो इम्पॉर्टेंस इन द मल्टीपल सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारी सोसाइटी लाइक इंडिया जहाँ पे एस टी हैं एस सी हैं हर किसी के कास्ट अपने रिलीजन है परम्पराएँ हैं क्या वहाँ पर ये पॉसिबल है हर एक सोसाइटी की अपनी सोच है तो आपको तो सोसाइटी के बेस पे कानून आना तो ये कहीं गलत है तो दैट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आई होप आप आप आपकी तरफ से मुझे कोई क्वेश्चन आएगा जिसको मैं सॉल्व कर पाएंगा थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे